तो फ्रेंड्स, आजकल ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम पर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें कि दोस्तों एक फ्लैग होता है जिसपे कि आपका कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। और ये दोस्तों वीडियो बनाना काफ़ी सिंपल है, और इस वीडियो को आप कैसे बना सकते हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको पता चलने वाला है। इस वीडियो को बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं कोई भी ब्राउजर, पिक्सार्ट एप्लीकेशन का, और एक दोस्तों VN एप्लीकेशन का। इन तीन चीज़ों को हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे ट्यूटोरियल देखने के लिए मिल जाते हैं, इसी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सीखते हैं आज कुछ नया। And I'm drifting in the whip. I got a baddie and she's trying to put my dick between her lips. So I ain't kissing now. I'm smoking on this pressure, rolling bodies in this blunt. I got. तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर अपने पिक्सार्ट ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो पिक्सार्ट ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एडिट ए फोटो पर क्लिक करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली से एक ब्लैक बैकग्राउंड को दोस्तों यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लैक बैकग्राउंड को चूज कर लेना। अब इसको चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से चले जाना है, यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको चले जाना है, और एक शेप को दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से ले लेना है। तो आप दोस्तों इतने कुछ शेप को ले लेना, इस वाले शेप को दोस्तों आपको ले लेना है, और लेने के बाद यहाँ पर आपको इसका कलर कर देना है रेड। तो जिस प्रकार का भी दोस्तों आपको जिस भी कलर का आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं वो कलर दोस्तों आपको रख लेना है। तो मैं यहाँ पर कलर को रख लेता हूँ रेड। रेड कलर को रखने के बाद दोस्तों मैं ऐसे कर देता हूँ इसको डन। डन करने के बाद हमें जाना है सिंपली से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से दोस्तों हमें अपना नेम लिख लेना है, जो भी नेम यहाँ पर आप टाइप, जिस भी नेम से आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं। दोस्तों मैं मेरा नाम यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। अब नेम को यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली से टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद अब यहाँ पर जिस भी फॉन्ट को आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं उस वाले फॉन्ट को दोस्तों आप यहाँ पर रख सकते हैं। दोस्तों मैं इस वाले फॉन्ट को रख लेता हूँ, आप देख लीजिए ये वाला फॉन्ट दोस्तों मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब रखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली से कर देना है डन। डन करने के बाद अभी यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली चले जाना है फिट वाले ऑप्शन पर, और फिट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसका बैकग्राउंड एक बार यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट कर देना, और इसको दोस्तों यहाँ पर आपको 16:9 का यहाँ पर रख देना है, और उसके बाद इस शेप को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फिल कर देना। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आपको कर लेना डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चले जाना अपने किसी भी ब्राउज़र के ऊपर, और यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च कर देना है फ्लैग वेवर। दोस्तों ये लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे आप ये लिखकर सर्च करेंगे, आपको जो फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट दिख रही है आपको दोस्तों इसके ऊपर सिंपली से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको फ्लैग को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको सेट कर लेना है। तो देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर सेट कर लेना। सेट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में वेब और फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से दोस्तों आप और क्लिक करके आपने जो भी फोटो पिक्सार्ट से बनाए थे दोस्तों उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि इस फ्लैग पर आपकी फ़ोटो यहाँ पर लग जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर साइड में क्लिक करना, और यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे कि ये कौन से डायरेक्शन में घूमेगा, ओरिएंटेशन आप इसका चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो विंड कंट्रोल है इस पर आपको क्लिक कर देना है। विंड कंट्रोल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डायरेक्शन को आप जिसमें रखना चाहते हैं रख लेना। तो मैं इस डायरेक्शन में रखना चाहता हूँ, और स्पीड दोस्तों आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो स्पीड मैं इतनी रख लेता हूँ, कुछ इतनी, हाँ दोस्तों इतनी स्पीड काफ़ी है। तो इतनी स्पीड रखने के बाद यहाँ पर नीचे में आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड दोस्तों मैं यहाँ पर कस्टम रखूँगा, और कस्टम में दोस्तों यहाँ पर आपको इसका कलर रख देना है। तो मैं इसको एक बार नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, तो इसका कलर दोस्तों आपको रख देना है ग्रीन। तो देख लीजिए दोस्तों आपको इसका कलर ये रख देना है ग्रीन। ग्रीन रखने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से इसके ऊपर चले जाना है, और इसको दोस्तों एक बार करके फुल स्क्रीन यहाँ पर आपको कर सकते हैं। तो फुल स्क्रीन को दोस्तों यहाँ पर आपको कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों इसमें आप यहाँ पर सीधा इसको सेव नहीं कर सकते, तो आपको इसको करना पड़ेगा स्क्रीन रिकॉर्ड। दोस्तों आप इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना, बिल्कुल हाई क्वालिटी में आप इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना, जितने सेकंड की आप चाहते हैं उतने सेकंड की आप दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना। अब उसके बाद चलिए दोस्तों हम अपना आगे का स्टेप VN के अंदर करके दिखाता हूँ आपको। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से अपने VN ऐप को ओपन कर लेना है। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपने VN एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके दोस्तों मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ये वाले बैकग्राउंड से, लेकिन दोस्तों आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसा आपको बैकग्राउंड अच्छा लगे। दोस्तों मैंने 2-3 बैकग्राउंड यहाँ पर डाउनलोड किए हैं, तो मैं उनको दोस्तों सिंपली से यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये वाले अच्छे नहीं लगते हैं तो आप गूगल से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं बैकग्राउंड, बस आपको बैकग्राउंड यहाँ पर सर्च कर लेना है, और वहाँ पर दोस्तों आपको बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर नेचर के बैकग्राउंड देखने के लिए मिल जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं इन दोनों को ऐड कर लिया है, जिसमें मैं देख पाऊँ कि कैसा लगेगा, तो जिसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा वही मैं रख लूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसका ओरिएंटेशन 9:16 रख लेना, और इसको दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है। हाँ कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसको सेट कर लेना। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके दोस्तों आप यहाँ पर अपने फ्लैग को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी उसको मैं ऐड कर लेता हूँ।
अब दोस्तों अपनी वीडियो को यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इसको क्रॉप कर लेना है। तो मैं दोस्तों इसको क्रॉप वाले सेक्शन में चला जाता हूँ और इसको दोस्तों ऊपर से मैं इसको थोड़ा क्रॉप कर देता हूँ। तो फ्री पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों इसको कुछ इस प्रकार से आपको कर देना है क्रॉप। क्रॉप करने के बाद आपको कर देना है डन। डन करने के बाद दोस्तों आपको चले जाना है यहाँ पर नीचे से, यहाँ पर आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं क्रोमा का। तो इसको दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से ग्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। ग्रीन को सिलेक्ट करने के बाद इसकी इंटेंसिटी को आपको फुल कर देना है और स्पिल को भी पूरा फुल कर देना। इसके बाद आपको कर देना है डन। डन करने के बाद इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको एडजस्ट कर देना है। तो दोस्तों आप देख लीजिए आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना है। अब देखेंगे दोस्तों कि आपकी वीडियो पूरी तरीके से यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। अब आप इन दोनों में से कोई भी बैकग्राउंड को चूज कर सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, तो उसी को दोस्तों मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। तो अभी मैं दोस्तों एक बार देख लेता हूँ। तो दोस्तों मुझे तो यहाँ पर फर्स्ट वाला बैकग्राउंड ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको सेकंड वाला लगे तो आप सेकंड वाले को ऐड कर सकते हैं। मैं दोनों ही आपको यहाँ पर दे दूँगा उसके अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपकी वीडियो को बन जाने के बाद यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना, एक अच्छे से कमेंट भी कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बेटा जय हिंद।